ओके सर स्टार्ट है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हमारी टीम में से एक गाड़ी आ रही है, मेरा नाम डॉक्टर चिराग सोलंकी। हमारी खुद की फ्री की गाड़ी आ गई है, लेकिन आज हमारी खुशियों की बहुत अच्छी स्वागत आ रही है। हमारी टीम में से मोदी केयर में से कार फंड में से फ्री में गाड़ी आ रही है, और जिन्होंने कार लिए हैं उन्होंने सिर्फ 3 साल में ये गाड़ी अचीव किया हुआ है मोदी केयर की कार फंड में से फ्री में, तो उनके लिए बहुत सारी बधाई है। अभी कौन सी गाड़ी ली है वो क्या आप जानना चाहते हो? यस। तो अब हम विनोद सर और धर्मिष्ठा मैम से बात करेंगे कि वो इस कार का जो कवर है उसको उठाए और हमें दिखाए कि उन्होंने कौन सी कार ली है। तो उन्होंने मोदी केयर के कार फंड में से ली है मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो, जो कि टोटली फ्री है। ये पॉसिबल है मोदी केयर की ताकत से, बिकॉज ये उनकी एक्टिव इनकम से नहीं पैसिव इनकम से है। उनकी जो एक्टिव इनकम है वो अभी चालू है, उनमें से 1 रुपया भी खर्च उन्होंने किया नहीं है, और सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम बोलते हैं ना कि ड्रीम इनकम, जिसको बोलते हैं कि ख्वाबों की इनकम, वैसी इनकम में से उन्होंने ये कार अचीव किया है। चलो आइए देखते हैं, उनको स्वागत करते हैं। आज तक किसी ने भी गाड़ी ली होगी तो इस हिसाब से उन्होंने कभी भी हार मालाएं नहीं पहनाई होगी, लेकिन ये सब पॉसिबल है मोदी केयर के, मोदी केयर की ताकत है, जिसके अंदर हम सिर्फ शोरूम में जाके चाबी लेके घर पे आके ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि हमारा खुद का भी सम्मान होता है, जो गाड़ी होता है उसका भी सम्मान होता है, और सिर्फ 2 लोगों को पता नहीं होता है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि मोदी केयर की गाड़ी हुई है। और अभी हम अवनी मैडम और जितेंद्र सर से बोलेंगे कि उनको चाबी। अभी हम अवनी मैडम से दरख्वास्त करेंगे कि वो कुछ शब्द बोलें। यस, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है अवनी जितेंद्र परमार, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। करीबन 5.5 साल से मोदी के बिजनेस को हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी 582 रुपीज़ के एक छोटे से चेक से, और आज पर मंथ 5.5 लाख रुपये की पैसे मिलकर मोदी केयर से ले रहे हैं। उसके अलावा जब पहली कार मैंने भी ली थी मोदी केयर से, वो थी 7 लाख की ग्रैंड आइटम स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक, और आज 51 लाख की मर्सिडीज बेंज GLA मोदी केयर से छुड़ा चुके हैं। तो बस आज यस आज विनोद जी और धर्मिष्ठा जी को हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन की। ये जो कार है ना, ये कार मर्सिडीज तक जाने का रास्ता है। तो जो सपना मैंने भी पहले जब छोटी कार ली थी ना, तो यही सपना था कि मर्सिडीज तक पहुंचना है, तो आज वो ड्रीम उनको भी मिल चुका है। उनका बिलीफ लेवल स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ये जो कार है ना वो मर्सिडीज BMW तक जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर प्रोफाइल के लोग सक्सेसफुल है, डॉक्टर है, हम लोग इंजीनियर है, सिंपल हाउसवाइफ, जॉब ओरिएंटेड, सारे लोग यहाँ से अपनी मेहनत के हिसाब से यहाँ से इनकम ले रहे हैं। तो आप भी, आपके जो भी सपने हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, तो आइए इनका कांटेक्ट करिए और उनके साथ मोदी केयर में जुड़ जाइए और जी जान से यहाँ पे लग जाइए। यस सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड विनोद भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रविशा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट, इन्होंने एक शुरुआत की है आज अपनी एक कार से,
मर्सिडीज तक जाने का रास्ता है। मैंने सही बोला मर्सिडीज तक जाना, मैंने मर्सिडीज लाने नहीं लगानी ग्रेट। सो ये ड्रीम है कि मर्सिडीज तक जाने का है, रास्ता यहीं से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। हसमुन दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, राइट। विनोद भाई के खुद की डीपी भी है, डीपी भी रन कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और प्योर डेडिकेशन मोदी के प्रति प्योर डेडिकेशन है इनका, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, हसमुन दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों को बहुत बहुत बधाइयां, और चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द 5 लाख के चेक पे पहुंचे, राइट, और मर्सिडीज बुक करवाए जल्द से जल्द, ठीक है। तो जोधा ताले हो जाए इनके लिए सर। तो आपने देखा कि हमारी टीम के जीबीडीडी अमी मैडम और जितेंद्र सर को जिन्होंने मर्सिडीज बेंज छुड़ाई है, 2 गाड़ियां उन्होंने मोदी केयर से ली है। अभी मैं धर्मिशा मैम और विनोद सर से बोलूँगा कि अभी उनकी जो जर्नी है, गाड़ी उन्होंने किस हिसाब से लिया है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। धर्मिशा मैम एंड विनोद सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज सफलता का एक कदम तो हमने पार कर ही लिया है, और नेक्स्ट मर्सिडीज मैम ने बोला वो 100% हम लेके ही रहेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया था 3 साल पहले, जब पता नहीं था कि हमारी दुकान बदलने से गाड़ी भी आ जाती है। आज वो प्रूफ हो गया कि हमने दुकान बदली और लोगों की दुकान बदलवाई और हमारी कार ये फ्री में आ गई है। तो थैंक यू वेरी मच माई ऑल टीम पार्टनर्स, एंड गाइडेंस दिया था आज चिराग सर और निक्की मैडम ने, अवनी मैडम और जीतू सर के देख रेख में ही हमने आज इतना लेवल अचीव किया है, और थैंक यू हमारी सुपर टीम को, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पावर नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी बात करो तो मैं माइक साथ विनोद शर्मा, मैं बेसिकली एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया। कैसे किया? तो एक बार हर किसी को फोन आता है कि भाई आपको एक बिजनेस देखना है या करना है, इसी तरह मेरे पे मेरी मतलब मेरी वाइफ की फ्रेंड ने उनको फ़ोन किया कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना है, लेकिन हमने कुछ घर वपराश की चीज़ों का चालू किया है तो आप एक बार देख लो। तो ऐसे ही फ़ोन आया तो हमने बुला लिया, डॉक्टर साहब आ गए समझाने के लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की मेरे को समझाने के लिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। तो डॉक्टर साहब को मैंने मना कर दिया कि मेरे को ये धंधा नहीं करना है। डॉक्टर साहब बोले ठीक है, डॉक्टर साहब चले गए घर पे। फिर हमने रात को एक डिसीजन लिया कि भाई क्या करना है। मैंने और मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया, मैंने बोला क्या करना है, मेरी वाइफ ने बोला कि चलो हम डीमार्ट में तो जाते ही हैं और किराना की दुकान से हम सामान लाते हैं, तो हम क्यों डीमार्ट में जाना बंद कर दें और मोदी घर से सामान। तो मैंने उसको परमिशन दी, एम क्यों है ना, अपने गुजराती में कहवत है दूधनो दाजेला छाश पूछी फूकी दी, એટલે આપણી બી એવી જ કોઈ હાલત હતી। આપણે બી આવી કંપનીમાં પહેલાં એક વખત કામ કરેલું હતું, તો મેં બી મતલબ એસે કામ કિયા હુઆ થા તો મેરે કો ભી કુછ અચ્છા નહીં લગતા થા એસા, લેકિન હમને ટ્રાય કિયા સામાન મતલબ યુઝ કરના ચાલું કિયા હમને સામાન। હમ ડીમાર્ટ મેં જાતે તો ડીમાર્ટમાં જાના બંધ કર દિયા, ક્યુંકિ ડીમાર્ટ વાલેને કભી નહીં બોલા। 5 યા 10 સાલ સે હમ ફરજી કર રહે હૈ ડીમાર્ટમાં, લેકિન ડીમાર્ટ વાલેને કભી નહીં બોલા કે વિનોદભાઈ તુમ ઇતને સાલ સે આ રહે હો તો થોડા ફ્રી લેકે જાઓ, ठीक है। लेकिन मोदी केयर ने हमको 6 महीने प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए हमको 3000 का सामान फ्री में दिया। वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और 15 महीने के बाद मैं डायरेक्टर बना, एकदम बेची से लेगी डायरेक्टर, क्योंकि मैं 15% पे था तब मेरे को साहब मिलते थे हॉल पे, तो एक ही बात करते थे कि विनोद भाई तकी रहिए बस जी। और बात मेरे को समझ में ही नहीं आई, उसका 3 सेंटेंस मेरे समझ में आ गया। वो हर मीटिंग में बोलते हैं कि बिजनेस मेंटालिटी आप में होनी चाहिए, तो वो मैंने करके दिखाया। फिर दूसरी लाइन वो बोलते थे लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, तो आपको सीखना पड़ेगा हर चीज़ में, आपको सीखना पड़ेगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो भी मैंने ध्यान में लिया था आपका वो सेंटेंस था कि लर्निंग एटीट्यूड, तो मैं हर ट्रेनिंग में सीखने जाता था, या अहमदाबाद अरे नरोड़ा में सेमिनार हो, या चांदखेड़ा में हो, या वस्त्राल में हो, मैं वहाँ पहुँच जाता। डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा नहीं बोलते थे फ़ोन करके लेकिन आज वस्त्राल में सेमिनार हो तो चले जाओ, या चांदखेड़ा में हो तो आ जाओ, लेकिन मैं अपने हिसाब से मेरे ग्रुप में जो मैसेज आ रहा था उसी हिसाब से मैं वहाँ चला जाता था। और अल्पेश गज्जर साहब जैसे बोलते हैं कि मोदी के अंदर सपने पूरे होते नहीं, सपनों को पूरा होना पड़ता है, वो हमने करके दिखाया, ठीक है। मोदी के अंदर सपने पूरे होते नहीं, सपनों को पूरा होना पड़ता है, वो सिद्धांत को हमने भी सुना था अवनी मैडम की जब मर्सिडीज आई थी तब, तो वो भी हमारे माइंड में वो सेट हो चुका था कि अब हमको भी गाड़ी लेनी है। उन्होंने जब मर्सिडीज छुड़ाई तब से मैंने फाइनल कर दिया था कि अभी शॉर्ट टाइम में मेरी भी गाड़ी आ जाएगी मोदी के अंदर। तो हमने उसी हिसाब से थोड़ा मेहनत किया, वर्क किया, रात दिन हमने देखा नहीं, और हमने उसी तरह से काम किया और हमारी गाड़ी आके खड़ी। थैंक यू।
जैसे पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है, जैसे पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही मोदी केयर छूने से आम आदमी खास आदमी बन जाता है। अगर आपको भी ऐसी आपकी लाइफ की हर एक मोमेंट को खास बनाना है तो मोदी केयर को छूना पड़ेगा, मोदी केयर को दिल से करना पड़ेगा। अगर आपने मोदी केयर नहीं किया तो आपने आपकी जो लाइफ है वो सीधी सादी तरह से जी के ख़त्म कर ली है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो आपको मोदी केयर करना ही पड़ेगा, मोदी केयर करना ही पड़ेगा, मोदी केयर करना ही पड़ेगा। थैंक यू।